नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूं काजल। भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में कैद राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के प्रशंसकों को उस समय मायूसी का सामना करना पड़ा जब जमानत मंजूर किए जाने के कुछ देर बाद ही मुंबई उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत पर स्टे ऑर्डर दे दिया। इस आदेश के बाद फिलहाल अनिल देशमुख को जेल से रिहाई के लिए 10 दिन और इंतजार करना होगा। जैसे ही अनिल देशमुख को जमानत मिलने की खबर आई, वैसे ही उनके समर्थक सिविल लाइन स्थित उनके निवास स्थान पर जा पहुंचे। वैसे भी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के कदावर नेता शरद पवार का जन्मदिन था, तो समर्थकों में खुशी कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही थी। जमानत मिलने की खुशी में देशमुख के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी कर जश्न मनाना शुरू कर दिया। खबर आई कि अनिल देशमुख की जमानत पर 10 दिन का स्थगन आदेश दे दिया गया है और जेल के बाहर आने के लिए 10 दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा। दरअसल देशमुख की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए देशमुख की जमानत पर स्थगन मांगा, जिसे मुंबई हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब भले ही 13 महीनों बाद देशमुख की जमानत मंजूर हो गई हो, लेकिन बावजूद इसके जेल से बाहर आने के लिए उन्हें 10 दिनों का और इंतजार करना होगा।